तैयार हो गई आप? जी कल बहुत मजा आया मेरी बेटी को। जी अपनी शॉपिंग नहीं दिखाओगी मुझे? अपना राज हो मुझसे, ये तो देखो मेरी तरफ। बेटा इस पूरी दुनिया में मुझे आपसे ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। फिर आप दूसरी शादी क्यों कर रही हैं? फिर जान आप कहोगी तो मैं नहीं करूंगी। और मैं दूसरी शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं। सलमान अंकल बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करेंगे। और पापा बेटा पापा हमारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? बेटा आपके पापा और मैं अलग हो चुके हैं, हम कभी साथ नहीं रह सकते। पापा और मामा में से किसी एक को चुनना होगा। किसके साथ रहोगी? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, आपकी मामा आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मामा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मामा हमेशा आपके साथ रहेंगे, अपनी बेटी के साथ। अदनान, तुम्हारी बीवी दूसरी शादी कर रही है। निम्रा कैसे किसी दूसरे आदमी के साथ रहेगी, कैसे उसे बाप तस्लीम करेगी तुम्हारे होते हुए? जब ऐसा होगा तो देखी जाएगी। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टल जाता? हम कोई और बात कर सकते हैं? मुझे, मैं तो तुम्हारा भला ही सोचती हूँ, लेकिन तुम ही शायद मुझे आज तक अपना दुश्मन समझते। ऐसा नहीं है बजिया, आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया? इसीलिए तो तुम मेरी बात नहीं मानते। आप इसके अलावा कोई और बात करें, कोई भी मैं मान लूंगा। तो फिर तुम दूसरी शादी कर लो। बच्चिया आप तय करके आए कि मुझे तंग करेंगे? अदनान, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। Get ready. It's time to knock out. मुल्क भर के मारूफ डेंटिस्ट का सेंसोडाइन पे मुकम्मल एतमाद क्यों? मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सेंसोडाइन काम करता है। जब मुझे सेंसिटिविटी होती है तो फिर मैं भी सेंसोडाइन इस्तेमाल करती हूँ। आसानी से साबित किया जा सकता है कि ये काम करता है। पेशेंट्स हमें खुद आके बताते हैं कि उनका दांतों में ठंडा गर्म लगना बंद हो। सेंसोडाइन को मैंने खुद इस्तेमाल किया और बहुत इफेक्टिव पाया, और पेशेंट भी हमारे बताते हैं कि इस्तेमाल के बाद वो तकलीफ में बहुत बेहतरी महसूस करते हैं। मेरा बच्चा एक साल का हो गया है, इसलिए मैंने चुना नेस्ले नीडो वन प्लस, जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो बेबी के पेट को प्रोटेक्ट करें अंदर से। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड से तस्दीकशुदा। नेस्ले नीडो वन प्लस, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले 150 इयर्स। HBL में अकाउंट खोलें, डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें या यूज करें HBL मोबाइल ऐप और जीते मौका दुबई में HBL PSL देखने का। नॉट ओनली दैट, आप ले जा सकते हैं अपने साथ एक फैमिली मेंबर या एक फ्रेंड को। फॉर डिटेल्स कॉल 111-111-425 और लॉग ऑन टू HBL.com। जहां ख्वाब वहाँ HBL। हमने इन बच्चों को हाथ धोने का कहा, लेकिन वॉश के बाद रहा सिर्फ एक हाथ साफ। आइए देखते हैं क्यों। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान्स बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। सेफगार्ड की विंटर ऑफर, अब छोटी बात पे बड़ी बचत, सिर्फ 32 रुपए में। सर्दियों में दूध और जाने शीरे का साथ नेचुरल है। क्या हाल है मुश्ताक भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए,
ठहरिए, क्या आपको मालूम है कि इस शेविंग के सामान पे है खतरनाक जरासीम, क्योंकि ये बहुत से लोगों पे इस्तेमाल हो चुका है एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन से साफ करने और ब्लेड बदलने के बावजूद। हेपेटाइटिस जैसे जरासीम मौजूद रहते हैं। खून का बजाहिर ना नजर आने वाला खतरा भी हेपेटाइटिस की वजह बन सकता है। इन जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए अपनी शेव घर पर खुद बनाएं। आज का चैलेंज, कौन ज्यादा कपड़े धोएगा, एरियल के 2 10 रुपए वाले साशे या 1 20 रुपए वाला डबल पैक। पेश है एरियल का 20 रुपए का डबल पैक, जो दे 2 10 रुपए वाले साशे के मुकाबले में 12% ज्यादा पाउडर और धोए ज्यादा कपड़े। एरियल डबल पैक ने जीता ये चैलेंज। एरियल का डबल पैक दे ज्यादा पाउडर और जबरदस्त बचत, यानी 2 से भला 1। वारिद के साथ अब मिलेगा बड़ा फायदा। आज ही अपनी 30 दिन से बंद वारिद सिम वापस लगाएं और पाएं 3000 वारिद मिनट्स, 3000 SMS और 3000 MB लाइटनिंग तेज इंटरनेट पूरे 60 दिन के लिए। इसके अलावा रोजाना 8 रुपए के इस्तेमाल पर मिले ढेरों फ्री वारिद मिनट्स, SMS और इंटरनेट MB। तो अभी वारिद सिम वापस लगाएं, 3733 मिलाएं और वारिद पे वापसी का जश्न मनाएं। वारिद LTE। इतने गॉर्जियस बाल कैसे? हेयर एंड शोल्डर्स? नो, हेयर एंड शोल्डर्स? नो वे, यकीन मानिए, हेयर एंड शोल्डर्स 6 गुना मॉइस्चराइजर्स के साथ बालों को बनाए स्मूदर, सिल्कियर और डैंड्रफ फ्री भी। नो, हेयर एंड शोल्डर्स, ट्राई इट टू बिलीव इट। सुनो, मैं ये ले लूं? कटने के डर से हूँ ही निकला। अरे भाई, ब्लूटूथ प्लस से महफूज शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो? और आप भी। जिलेट ब्लूटूथ प्लस, आराम दे शेव बिना डरे। जिलेट ब्लू 3 सिर्फ 85 रुपए में अब 15 रुपए की बचत के साथ। जैज वारिद की 5 करोड़ से जायद की फैमिली का हिस्सा बनने के बाद वारिद सार्फिन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आपकी सहूलत के लिए अब आप अपने वारिद नंबर का रिचार्ज जैज कार्ड और जैज लोड से भी करा सकते हैं। ये है नंबर 1 नेटवर्क के बेहतरीन फायदे। नेस्ले लाया नया सिरेलैक, अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करे। नेस्ले सिरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। पिंपल? नो वे। सेफगार्ड फ्लोरल की जर्म स्क्रीन प्रोटेक्शन, रखे स्किन को क्लीन, क्योंकि ये फाइट करे पिंपल जर्म से। सेफगार्ड, पाकिस्तान्स बेस्ट एंटी बैक्टीरियल सोप। एक बिरयानी, चाप, बगस फ्राई, बिहारी कबाब, सच्ची और एक दाल मखनी ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप? अभी जैज या वारिद दोनों में से जो मर्जी सिम खरीदो और *191 हैश मिलाते ही पाओ 7 दिन के लिए 700 मुफ्त जैज और वारिद मिनट्स, 700 SMS और 700 MB। साथ में हर दफा 75 रुपए या ज्यादा के रिचार्ज पर मिलेंगे मजीद 700 जैज और वारिद मिनट्स, SMS और MBs। जैज और वारिद, 5 करोड़ कस्टमर्स का एक नेटवर्क। बाहर चले खाने पे, पर जब खाना कश्मीर में बने तो खानों को मिले असल जायका, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और अरोमा नहीं, और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले इसमें शामिल मेटाबूस्ट से। ये सब है कश्मीर कनोला और प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल के ट्रिपल ब्लेंड में। जब ही तो खाना ये आया वो गया। कश्मीर, बहुत फूड। कश्मीर, जीने का मजा खुके। ब्राइट, नया ब्राइट जो है पहले से ज्यादा ताकतवर, नए फॉर्मूले के साथ स्टेन मैग्नेट्स की डबल पावर वाला नया ब्राइट जो कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले गहरे दाग। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। गेट रेडी, इट्स टाइम टू नॉक आउट। ये क्या कर रही हो?
खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। निम्रा आने वाली है और खाना अभी तक नहीं बना। ये मैं बना लूंगी, छोड़ो इसे, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ जल्दी से। क्यों? अरे तू भूल गई, सलमान की फ्लाइट आने वाली है बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा। तो भूल ही गई, लेकिन अम्मी इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है? वो तुमसे शादी करने वाला है, और पता है मर्दों को बीवियां सजी संवरी अच्छी लगती। मैं भी उनकी बीवी नहीं बनी अम्मी। अरे बनने वाली तो हो ना। हेलो, क्या क्या हुआ है? अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? मम्मी सलमान, क्या हुआ सलमान को? सलमान का प्लेन क्रैश हो गया। क्या क्या कह रही है तू? अरे बेटा तुझे गलत फहमी हुई होगी, सुनने में कुछ गलती हो गई है। नहीं अम्मी। अरे रो क्यों रही है? किसी ने तेरे साथ मजाक किया होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी मजाक तो मेरी किस्मत ने किया मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा एनी, अभी देखना थोड़ी देर में सलमान यहाँ पे होगा, चल जा तू जाके तैयार हो जा। अम्मी सलमान अब कभी नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही है तू? उसने मुझसे वादा किया है बेटा, वो जरूर आएगा। सच कह रही हूँ अम्मी, वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कह बेटा, मत कह। तो आज मेरे शादी के लिए आना क्यों होती है? इसमें तेरा क्या कसूर है बेटा? अम्मी सारा कसूर ही मेरा। आपने देखा नहीं, सलमान मुझसे शादी करने आ रहे थे। काश मैंने इनकार कर दिया होता तो। एनी, क्या ला? क्या हो? क्या हो? आती जाती रहना तुम। हाँ बिल्कुल, अल्लाह की रजा यार, हम क्या कर सकते हैं, सबको जाना है इस दुनिया से। बस बेटा यहीं पे रोक लो, ये जरा पकड़ो दरवाजा, आ जा बेटा। तुम यहीं रुकना बेटा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए। बेटा जो हुआ सो हुआ, गुस्सा देना हमारा फर्ज है। और फिर सलमान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम वो सब कैसे भुला सकते हैं? चल चल ना अंकल, आप इसका ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा क्यों नहीं। बस वही रुक जाओ, क्यों आई हो तुम यहां पर? अभी तक तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? पहले तो मेरे सलमान को खा गई, पापा ये क्यों आई है यहां पे? देख बेटा हम लोग पुरसे के लिए आए हैं। किस बात का पुरसा? पहले तुम लोगों ने मेरे गावत को मुझसे दूर कर दिया, पुरसा दे रहे आई हो? पापा सुना आपने? सुना आपने? Take it easy, बेटा। मैं उसकी एक झलक देखने के लिए तरस दी, लेकिन तुमने उसके दिमाग में ऐसा जहर घोला कि वो मुझे मिलने भी नहीं आया। और आज जब वो चला गया इस दुनिया से, तो तुम पुरसा देने आ गई हो। यहाँ से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ सलमान साहब की बीवी रहती है, कि हमें नहीं पता था कि यहाँ तो
एक अमीर औरत रहती है जिसे अपने शौहर के चले जाने का दुख नहीं, अपने हार जाने का दुख। आप जाइए, बहुत तमाशा लगा लिया आपने, जाइए आप। उठो बेटा, उठो। वो मेरा सलमान जी ने मेरा सब कुछ छीन लिया पापा। हेलो हेलो, कैसे हो अदनान? अरे सज्जाद, क्या हाल है? भूल गए क्या? बड़े अरसे बाद याद किया, ऑफिस छूट गया तो दोस्त भी भूल गए। अरे नहीं यार, बस काम की मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। अच्छा, फिर कैसे याद किया आज मुझे? यार खबर ही ऐसी है। खैरियत? हाँ, वो हमारे बॉस है ना, सलमान साहब। हाँ, वो अमेरिका से आ रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश कर गया। हेलो अदनान। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा चलो तुम्हें बता दूँ, तुम्हारा तो केस चल रहा था ना उनके साथ, चलो तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अरे नहीं यार, अच्छे आदमी थे। हाँ ये तो है, स्टाफ का बहुत ख्याल रखते थे, थोड़े गुस्से वाले थे लेकिन मुश्किल वक्त में काम आते थे। और सुनाओ क्या हो रहा है? नहीं कुछ खास नहीं, आजकल फ्री हूँ। अच्छा यार, मुझे अभी सलमान साहब की तरफ जाना है ताज़ियत के लिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी फोन करके ताज़ियत कर लूंगा। खुदा हाफिज। कुछ नहीं बेटा। नानू आप रो रही? नहीं बेटा, तुम्हारे सलमान अंकल हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। कहाँ? अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ को जो लोग बहुत प्यारे लगते हैं अपने पास बुला लेते। नानू मत रहे। तू है ना मेरी प्यारी गुड़िया, तो मैं क्यों रहूंगी? जिंदगी और मुझसे कितने इम्तिहान लेगी, सलमान ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है, वो भी छिन गया। जिंदगी के इस मझधार में मेरा कोई सहारा नहीं बचा, मुझे खुद ही हिम्मत करना होगी। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो?
अजीब सी खबर पता चली है। क्या हुआ? सलमान साहब की डेथ हो गई। सलमान कौन? मेरे बॉस। ओह, ये वही तो नहीं जिससे अनी शादी करने वाली थी? जी। ओ अच्छा, तो इसमें अफसरदा होने वाली कौन सी बात है? अफसरदा तो अनी को होना चाहिए। क्या हो गया बच्ची आपको? एक हंसता बसता शख्स इस दुनिया से चला गया तो मैं खुशियां तो नहीं मना सकता ना? मैं तुम्हें खुशियां मनाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इतना अफसरदा होने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हारी एक्स वाइफ से शादी कर रहा था। ये उनका जाती मामला है अदनान, या तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो या बहुत ही बेवकूफ। बच्ची आप वो एनी से शादी करें या किसी और से, मेरा एनी से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र करो कोई ताल्लुक नहीं है। देखा नहीं कितनी मनहूस है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बेचारा एनी से शादी करने वाला था और उसकी मनहूसियत की वजह से वो इस दुनिया से ही चला गया। बच्चिया कैसी तकियानूसी बातें करती हैं आप। हाँ भाई, मेरी बातें तो तुम्हें तकियानूसी लगेंगी, तुम्हारे भले का जो सोचती हूँ। तो एक मिनट में नाराज हो जाती हैं आप। क्यों नाराज ना हूं? एक तो तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके उस औरत से शादी की और अब उसको छोड़ने के बाद भी तुम उसी का साथ दे रहे हो। मैं उसका साथ नहीं दे रहा बच्चिया। तो फिर ऐसी औरतें तो शादी से पहले अपने शौहर को खा जाए, उन्हें मनहूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शुक्र करो तुम्हारे साथ अम्मी की दुआएं थी जो तुम जिंदा बच गए। सब आप सलामिकम। वालेकुम सलाम। आइए ना चाय पानी कोई। नहीं बीबी, अंदर आने का वक्त नहीं है। बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल पहली तारीख है। जी मुझे पता है भाई साहब, लेकिन देखें बीबी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके पास रकम नहीं मौजूद तो फिर कल आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन भैया इतनी जल्दी? बीबी लेकिन वेकन की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। देखिए भाई साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी किराया अदा करने की, प्लीज कुछ मोहलत दे दे भाई साहब। और कितनी मोहलत दूं? ये तो मेरी शराफत है कि पहले 3 महीने का किराया जमा हो गया है। देखिए भाई साहब, अगर मैं बहुत कोशिश भी करूं ना तो 1 महीने का किराया कर सकती हूँ। नहीं बीबी, किराया तो मैं पूरा लेकर जाऊंगा। लेकिन भाई हम कहाँ से देंगे पूरा किराया? तो फिर ये घर खाली कर दें। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये आपका मसला है बीबी, ये आप सोचें कि आपने कहाँ जाना है। मैंने तो आपको 1 हफ्ता पहले ही बता दिया था। देखिए भाई साहब, थोड़ा ख्याल तो करें, मैं अपनी बेटी और नवासी को लेकर कहाँ जाऊंगी? बहन मेरे भी बच्चे हैं, मेरा घर इसी किराए पर चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी ये घर है, कोई धारा मान तो नहीं है कि जहां तक हो सके आप मुफ्त बैठी रहें। बस कल तक आप मेरा ये घर खाली कर दीजिएगा, चलता हूँ। आप रो रही हैं? नहीं मेरी जान, मैं नहीं रो रही। मामा मैं जानती हूँ सलमान अंकल। आपको किसने बताया? नानू ने। मेरी जान मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने जाने अनजाने बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना आपको। मामा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बेटा, लेकिन प्रॉमिस मामा आपसे हमेशा इतना ही प्यार करेंगे। आप मामा को छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं। एक महीने का किराया कर सकते? नहीं बेटी, किराया तो मैं पूरा लेकर जाऊंगा। भाई हम कहां से देंगे पूरा किराया? तो फिर ये घर खाली कर दें।
अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी किसी और जगह का इंतजाम कैसे होगा? पता नहीं एनी का क्या रद्द अमल होगा, उसे तो पता ही नहीं कि हमें कल ये घर छोड़ना होगा। मुझे अभी एनी से बात करनी होगी। हाँ यही ठीक रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? शादी की। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है तुमने जो चाहा वो पा लिया। किसने क्या खोया क्या पाया कोई दूसरा तो जान ही नहीं सकता। खोया तो सिर्फ मैंने, तुमने तो सिर्फ पाया। तुमने ऐसा सोचना तो फिर ऐसे ही से। मैं भी कितना पागल था, मैं भी सोचता रहता था कि तुम मुझसे अलग होके दुखी हो। तुम तो चाहती यही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम उस सलमान से शादी करो। कहाँ थी आप? खाना भी नहीं खाया आपने? बस ये नहीं चाह रहा था। मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मैं भी पागल थी, जिसके पास इतना प्यार करने वाली माँ और बेटी हो वो भी भला कभी अकेली हो सकती है। चले आप ही मुस्कुरा दें। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन एक और बुरी खबर। बुरी खबर? हाँ बेटा, शाम में मालिक मकान आया था, कह रहे थे कि या उसे 3 महीने का किराया दे दें या फिर मकान खाली कर दें। लेकिन हम इकट्ठे इतने पैसे कहाँ से देंगे उसे? मैं बात करती हूँ उससे। बेटा मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। मैंने तो उसे यहाँ तक कहा कि 1 महीने का किराया ले लो, बाकी कुछ दिनों की मोहलत दे दो, वो भी हम दे देंगे। कुछ पैसे मेरे पास थे लेकिन वो नहीं माना। मम्मी अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? एक जगह है बेटा। कौन सी? हमारा अपना घर। लेकिन मम्मी वो तो गिरवी पड़ा है, मम्मी वो तो दूसरा शहर। बेटा तुमने सारी जिंदगी उसी शहर में गुजारी है ना, वैसे भी अपनी छत तो है ना कम से कम। निमरा कैसे एडजस्ट होगी, उसे तो ऐसे गली मोहल्लों की आदत ही नहीं है। अम्मी बेटा मजबूरी है, वरना मैं तुझे वापस चलने को कभी ना कहती। ठीक है अम्मी, सामान पैक कर लेते हैं फिर हम सुबह निकल जाएंगे।
शर्म ना आई तुझे इस उम्र में शादी करते हुए और इसे मेरे घर में ले आया? ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। मुझे तूने घर से निकालना था सो मैंने निकाल दिया। कहाँ गए वो? भाई बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें बताओ, मेरे थोड़े ही हैं। आपे पाया कुंडिया ते आपे खिचना एडो ATV, सारे रंग हमारे।